गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर घर पावन स्थान जगत गुरु धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी दे चरण छो प्राप्त है। हर प्रभ काज रचाया गुरमुख वी आहन आया। धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने इस पावन अस्थान बटाले की धरती तो अपना ग्रस्त धर्म जेड़ा सी उहदे विच प्रवेश किया, जिसनू भाई गुरदास साहब जी ने अपनी वारां दे विच अंकित किया है कि सर्व धर्म में ग्रस्त प्रधान है। कि सारिया धर्मां दे विचों ग्रस्त नू प्रधानता जिहड़ी दित्ती है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी सुल्तानपुर लोधी तो अपनी भैन बेबे नानकी दे पिंड तो 1544 संमत 1487 ईस्वी नू सुल्तानपुर लोधी तो चल करके बरात दे रूप दे विच उस बरात दे विच सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे पिता जी उन्हां दा नानका परिवार राय बुलार वल्लों बहुत सारियां सुख सहूलतां उस समय दे जो साधन सन वह भी बरात वास्ते इत्थे पहुँचन वास्ते देना कीते। इस प्रकार बड़ी शानो शौकत दे नाल सुल्तानपुर लोधी तो बरात चल करके बटाला नगर दे विच पहुँची है। जदों मूल चंद जी नूं पता लगता है कि बरात बटाला पहुँच चुकी है तो पतवंते सज्जना नूं नाल लै करके बरात दी स्वागत किया गया है। इस पावन अस्थान जिस दे आप जी दर्शन दारे कर रहे हो गुरुद्वारा श्री कंध साहिब बटाला, इत्थे गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी की बरात नूं बिठाया गया। कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे। जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे आनंद कारज लावां वास्ते बरात नूं इत्थों बुलाया गया है, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी कुछ अपने रिश्तेदारां पिता जी दे नाल गुरद्वारा डेरा साहब मूल चंद जी दा जो घर सी उत्थे पहुँचे ने। उत्थे जदों जा करके देखिया कि उस समय दे जो रीति रिवाज सन बेदी दे दुआले लावां फेरे करन दी तैयारी कीती है। जगत गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने कहा कि असी बेदी दे दुआले अग्नि दे दुआले परिक्रमा नहीं करनिया, क्योंकि असी संसार नू एक परमात्मा दे नाल जोड़न वास्ते आए हैं। एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है सभना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई। इस प्रकार फिर पंडिता ने कहा कि फिर तुसी दसो कि तुहाडे लावां फेरे आनंद कारज किवें कीते जाण। उस समय फिर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने एक कागज के उपर मूल मंत्र का जाप लिख करके उसनू एक चौंकी के उपर रख करके दे उहदे दुआले सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने परिक्रमा कीतियां। हर आराधना जान रे हर हर गुर गुर करता रे। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे आनंद कारज विआह जिहड़ा सी उह गुरद्वारा डेरा साहब विखे होया। ते उस वेले विआह तो बाद लावां फेरियां तो बाद फिर बरात नूं जल पाणी छका करके ते इस पावन स्थान गुरद्वारा कंध साहिब, क्योंकि इत्थे ही बरात दा इंतजाम कीता गया सी, तीन दिन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी बरात समेत इस पावन स्थान ते रहे। ते उस वेले फिर ब्राह्मणा ने विचार कीती कि इन्हां ने 9 साल दी उम्र दे विच वी साडे धर्म ते जदों जनेऊ पाउण दी रस्म करन लगे सी ते उदों वी इन्हां ने इनकार कीता सी, ते अज फिर साडे धर्म दीआं रौह रीतां दा इन्हां ने खंडन कीता है। क्यों ना होवे कि इस सच दी आवाज़ नूं सदा वास्ते खत्म कीता जावे। उस वेले फिर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी नूं इस कच्ची द्वार दे नेड़े बिठाया गया। जदों जगत गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जिस द्वार दे कोल बैठे ने ते उस समय एक माता जी ने आ करके धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे चरणा ते नमस्कार कीती है, बेनती कीती कि सतगुरु जी कंध कच्ची है ढहण वाली है ते आप जी उठ करके एक पासे ते होना करो। ते जगत गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी कहन लगे कि माता भावां कि ये कंध कच्ची है पर यह कंध जुगां जुगंतरां तक कायम रहेगी ते साडे विआह दी यादगार होवेगी। सो उस कंध जो शीशे दे विच मड़ी हुई है अज भी संगतां दूर दरेडे तो देशों विदेशों के विचों आ करके इस पावन स्थान के दर्शन दिदारे कर दियां ने। ते जगत गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का विआह हर साल
ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ ਸਤਮੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਸਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ, ਸੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਸਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ।